नमस्कार, मैं सुहानी जैन लुकवानी में आपका स्वागत करती हूँ। इस बार 9 दिनों का शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है। जब भी नवरात्रि की शुरुआत सोमवार से होती है, तब माना जाता है कि माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा अर्चना विशेष फलदायी है। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि कलो चंडी विनायक को, अर्थात कलयुग में चंडी माँ दुर्गा एवं विनायक भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस वर्ष नवरात्रि का पावन पर्व 26 सितंबर से प्रारंभ होगा और 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। विजयादशमी का पर्व 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस पर्व को नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नव तिथियों की नवरात्रियाँ होती हैं, अतः प्राय 9 दिनों की नवरात्रि होती है। महाअष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर और महानवमी का हवन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग गणना के अनुसार 26 सितंबर को देवी आराधना की पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से शुरू होकर सुबह 7:51 तक रहेगा। वहीं अगर आप इस मुहूर्त में किसी कारण से कलश स्थापना न कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत होगा, जो सुबह 11:49 से लेकर के 12:37 तक रहेगा। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के वाहन का महत्व। नवरात्रि के पर्व पर पृथ्वी लोक में माता का आगमन होता है और घर घर स्थापित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण में माता के आगमन पर उनकी सवारी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। भीलवाड़ा जिले में फूलियां कलां तहसील में जन आस्था के केंद्र धनोप माता जी शक्तिपीठ, संतोषी माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, बंक्या रानी गायत्री शक्तिपीठ, चित्तौड़गढ़ जिले में जोगणिया माता शक्तिपीठ, जातला माता, कालिका माता, सभी माताओं के मंदिरों में भक्तों का रेला लगता है। और इस बार शारदीय नवरात्रा अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि सोमवार के दिन प्रातः 6:30 से लेकर 7:30, उसके बाद 9:30 से लेकर 11:00 तक, उसके बाद में 12:05 से लेकर 12:53 तक, और उसके बाद में 12:41 से लेकर 2:45 तक घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस बार नवरात्रि में माता की सवारी गजराज जी है और हाथी को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस बार व्यापार व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो मेधावी बनकर उभरेंगे और जिन्हें रोजगार की आवश्यकता उनको रोजगार मिलेगा। जहाँ तक व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि का सवाल है, इस बार माता रानी की सवारी गजराज होने से व्यापार और व्यवसाय में जहाँ तक मशीनरी आइटम है इनका क्रय विक्रय अत्यधिक होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा बहुत प्रबल रहेगी और किसी भी प्रकार की कोई विदेशी शक्तियों से आक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। कुल मिलाकर इस बार का है शारदीय नवरात्रा किसी प्रकार का कोई तिथि में क्षय नहीं है, श्रेष्ठतम माना जाता है। उपनगरपुर में घटारानी माता जी का स्थान है, चामुंडा माता का है, चौथ माता का है और जिंदल ग्रुप में तिरंगा महारानी का माननीय माता है। यहाँ दिनों तक भक्ति और शक्ति की आराधना होती है। जो त्यागी तपस्वी महर्षि मनुष्य होते हैं वे 9 दिनों तक जगकर पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रि में पूरी रात्रि कल जगकर भजन करने को श्रेष्ठता प्रदान की गई है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने जन्मदिन काइन हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ गौ माता की सेवा करके मनाया। पत्नी अलका पाठक के साथ हाथों से गायों को रोटी खिलाई, हवन में भी भाग लिया। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना पंडित आशुतोष शर्मा एवं वासुदेव शर्मा द्वारा कराई गई, जिसमें सभापति पाठक ने सपत्नी और उनके साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजन किया। उसके उपरांत पाठक का पुष्पों द्वारा अभिनंदन किया गया, जिसमें मंदिर के सभी भक्तजन शामिल हुए। इस अवसर पर रक्तवीर विक्रम दाधीच, पंडित केशव शर्मा, तरुण सुमाने सहित कई लोग मौजूद थे। वृद्धा आश्रम में सेवा की। भीलवाड़ा शहर में नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश तीसरे मोर्चे द्वारा लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बना रहा। शहर के पार्षदों ने और शुभचिंतकों ने पोस्टर लगा करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में तीसरे मोर्चे ने भी नगर परिषद सभापति राकेश पाठक का जन्मदिन महात्मा गांधी अस्पताल में फल वितरण करके मनाया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह चुंडावत, पार्षद किशोर सोनी, पार्षद प्रतिनिधि शिव जाट, पार्षद मोहिनी माली, तरुण सुमानी, ऋषभ पोरवाल, मुस्कान फाउंडेशन से जय गुरियानी एवं समस्त टीम ग्रीन हाउस में मौजूद थी। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि गौ माता की सेवा के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे।
गाय सेवा के लिए हमेशा आ रहे हैं और उसी क्रम में आज यहाँ आए हैं। जैसे सामान्य दिनों का जीवन है वैसे ही आज का जो मेरा बस इतना सा कहना है कि प्रभु मुझ में इतनी शक्ति दे कि मुझे जो भी उत्तरदायित्व मिले उसका मैं अच्छी तरह से निर्वहन कर सकूं और जनता जनार्दन जैसे कहा ना मैंने कि जनता ही जनार्दन है इस भाव को मन में रखते हुए काम कर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, स्क्वायर फीट के दो हॉल, सभी सुविधायुक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वरवधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने, हरनी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पूरी दुनिया भर में टेक्सटाइल सिटी के नाम से विख्यात भिलवाड़ा अब धर्म नगरी के नाम से भी जानी जाने लगा है। इसको लेकर के भिलवाड़ा के हरनी महादेव रोड स्थित ऋषि श्रृंग आश्रम में पंडित ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री की मधुर वाणी से भागवत कथा में कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार का भागवत कथा के गुड़ प्रसंगों को बहुत ही सरल भाषा में भक्तों को बताया गया। कथा के मध्य में संगीतमय भजनों की प्रस्तुतियां हुई जिससे आनंद विभोर होकर के भक्तगण नाचते गाते नजर आए और पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। भागवत कथा के आयोजक पंड्या परिवार के बाल मुकुंद रामेश्वर लाल गोपाल ने भिलवाड़ा जिले भर के तमाम भक्तों को और कृष्ण प्रेमियों को इस भागवत कथा में अधिक से अधिक पहुंच करके कथा का आनंद, कृष्ण लीलाओं से जुड़े काव्यों को सुनने का भी आग्रह किया है। धर्मनगरी भिलवाड़ा में रामकथा के तीसरे दिन कथा व्यास प्रेम भूषण जी का नामदेव छीपा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अभिनंदन कर स्वागत किया। इस अवसर पर छीपा समाज प्रदेश युवा अध्यक्ष नीरज छीपा, प्रदेश युवा महामंत्री सतीश सरावगी, समाज बंधु उपस्थित होकर व्यास जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया।
27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए दस्तक संस्था द्वारा शहर के बड़ा मंदिर चौक में भगत सिंह के जीवन पर आधारित घटनाओं का नाटक द्वारा प्रदर्शन करके निर्णय लिया गया, जिससे युवा भगत सिंह के विचारों को सरलता से समझ सके और आज़ादी का वास्तविक मतलब पहचान सके। देश के युवाओं को देश प्रेम के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। भगत सिंह के विचारों का भारत कैसा होना चाहिए, भगत सिंह किस तरह की सामाजिक व्यवस्था देश में चाहते थे, भगत सिंह किस प्रकार की सरकार देश के लिए चाहते थे, भगत सिंह किस तरह से बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे, जिससे आज के बच्चे और युवा जान सके कि कैसी व्यवस्था हमारे देश और समाज में होनी चाहिए। दस्तक संस्थान द्वारा दस्तक ए भगत सिंह कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू द्वारा किया गया। दस्तक संस्था के कुणाल ओझा, पंकज जैन, नरेश बिश्नोई, रवि ओझा, नरेंद्र गुर्जर, राजू जाट, मनफुल चौधरी, मनीष सुखवाल, अनिल धाकड़, उदयलाल बोराना, जुबैर अहमद, धर्ममेंद्र शर्मा, दीपक पुरोहित, परमेश माली, अंशुल तंबोली, जुनेद आबेदीन सहित कई लोग मौजूद रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय मांडल जिला भिलवाड़ा में सत्र 2022-23 से माननीय मंत्री रामलाल जाट, राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के प्रयासों से नवीन महाविद्यालय खोला गया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार इसी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आरंभ हुई है और अभी अंतिम चरण में चल रही है। 23 सितंबर तक 180 छात्राएं प्रवेश ले चुकी है और इनकी नियमित कक्षाएं महाविद्यालय परिसर में संचालित हो रही हैं। संस्कृत विषय में डॉक्टर संतोष शर्मा एवं गृह विज्ञान विषय में डॉक्टर शानु पाराशर ने राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया है। इससे पूर्व MLV कॉलेज भिलवाड़ा से कार्य व्यवस्था संकाय सदस्यों को लगा करके प्रवेश प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्य करवाया गया। 8 सितंबर से डॉक्टर नेमीचंद कुमावत सहायक आचार्य हिंदी को महाविद्यालय में कार्य व्यवस्था हेतु लगाया गया, जो वर्तमान में कार्यवाहक प्राचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। महाविद्यालय में पंचायत समिति की ओर से छात्राओं को कक्षाओं में बैठाने के लिए दरियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक कक्ष में MLV कॉलेज के प्राचार्य एवं CBO के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल के प्रधानाचार्य के सहयोग से फर्नीचर की भी व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय को सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किए जाने को लेकर नोडल कॉलेज को भी मांग पत्र भेजा गया है। उसके अनुसार फर्नीचर एवं अन्य संसाधन खरीदने हेतु आदेश दे दिए गए हैं, शीघ्र ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही महाविद्यालय भवन हेतु रेलवे स्टेशन के पास 9 बीघा जमीन आवंटित की गई है एवं भवन निर्माण हेतु राजस्व मंत्री ने 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं। शीघ्र ही शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मांडल कन्या कॉलेज का भवन साकार रूप धारण करेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।